गैस जो है ना वो कहीं पर भी नहीं मिल रही है। लोग चेक कर रहे हैं, आ रहे हैं, और जहाँ मिल रही है वहाँ बहुत ज़्यादा जो है ना वो ये कह रहे तो शायद पम्प भी निकाल दिया भाई। भाई 7-Eleven गैस स्टेशन यहाँ भी गैस अवेलेबल नहीं है। सॉरी पम्प आउट ऑफ सर्विस। तो भाई गैस जो है ना वो कहीं पर भी नहीं मिल रही है। लोग चेक कर रहे हैं, आ रहे हैं, और जहाँ मिल रही है वहाँ बहुत ज़्यादा जो है ना वो लंबी लंबी लाइनें हैं। पेट्रोल जो है ना बिल्कुल गायब हो गया है। गैस यहाँ पे पेट्रोल को गैस भी बोलते हैं। और अभी मैं यहाँ से निकला हूँ 7-Eleven, वहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे गैस स्टेशन है, उधर भी एक है ऐसा ही, लेकिन इन दोनों पर भी जो है वो गैस अवेलेबल नहीं है। गैस अवेलेबल क्यों नहीं है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जो है वो यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त मतलब बारिश हुई थी, और बारिश की वजह से काफ़ी जो मेन जो हाईवेज़ हैं वो ब्लॉक हो गए थे, और यहाँ तक के जो एयरपोर्ट्स हैं वो भी जो है ना ब्लॉक कर दिए हो गए थे, पानी की वजह से बंद कर दिए थे। और अभी जो है वो गैस बिल्कुल नहीं आ रही है, और आइंदा 2-3 दिन तक भी नहीं आएगी। जहाँ मिल रही हैं वहाँ बहुत लंबी लंबी लाइनें हैं। ये कह रहे तो शायद पम्प भी निकाल दिया भाई। खैर पम्प क्यों निकालें, हो सकता है रेनोवेशन हो रहा होगा। मैंने सोचा कि गैस तो है नहीं तो हम रेनोवेशन ही कर लें। तो अभी जो है मैं 3 गैस स्टेशन देख चुका हूँ आपके सामने, एक जो है ना वो उस पर। लेट्स सी, अब चलते हैं आगे। शेवरॉन और मोबिल भी हैं, शायद वहाँ पे मिल जाए। ये है एक्सन, और यहाँ पे तो उन्होंने ऊपर लिख के लगा दिया ओनली डीजल नो गैस, ओनली डीजल नो गैस। सो यहाँ पे भी गैस नहीं है, और मेरे पास जो है ना अभी हाफ टैंक है, और अगर 3 दिन तक गैस नहीं आई, आगे ईद भी आ रही है, आगे क्या होगा। वैसे ये देखेंगे यहाँ गैस नहीं है तो जो एक्चुअल प्राइस थे वही लिखे हुए, और जहाँ पे अभी इंशाल्लाह गैस मिलेगी तो वहाँ भी प्राइस वही मिलेंगे जो होने चाहिए। मोबाइल यहाँ तो जाना भी बेफजूल है, क्योंकि दूर से ही नज़र आ रहा है कि इधर भी गैस जो है ना वो अवेलेबल नहीं है। गए हैं, एक है एक्सन और दूसरा है स्पीडवे स्टर्लिंग रोड से पहले। लेट्स सी, यहाँ पे कुछ लाइन लग रही हैं तो इसका मतलब है गैस भी होगी। अल्लाह करे लाइन भी कम ही हो, क्राउड तो काफ़ी है। लेट्स सी, और प्राइस भी जो है वो 351 ही है। ओके दैट्स गुड। तो यहाँ पे फाइनली गैस मिल रही है, लाइन भी लग रही है काफ़ी सारी। फुल ही करवा लो, लाइन लगती जा रही है। मुझे भी कार वॉश करनी है, परसों ईद है। अभी है कि टैंक फुल हो जाएगा तो 3 दिन चल जाएगी इंशाल्लाह ताला। यहाँ एसी के बगैर तो आप रह ही नहीं सकते। 100 फ़ारेनहाइट इस वक्त चल रहा है आजकल। सही मौके पे मिल गई, और कुछ भरोसा नहीं है, ख़त्म भी हो सकती है। यहाँ पे लाइन देखो कहाँ तक जा रही है, ओए लंबी लाइन। बड़ी मेहनत के बाद भी फाइनली मिल ही गई है गैस। अब यह है कि तकरीबन फुल है, यह 324 माइल्स चल सकती है। अभी तक के लिए छुट्टी हो जाएगी इंशाल्लाह ताला, और होपफुली के गैस भी अवेलेबल हो ही जाएगी तब तक। 10-12 गैस स्टेशन मैंने चेक किए, देन फाइनली मुझे एक पे मिल ही गई। और ये सामने भी जो है ना एक्शन पे भी दिखा तो रहा है, लेकिन अंदर जब जाएंगे तो पंप ये ऑफ है। खैर मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।